इस क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी का असर अब सोशल मीडिया पर जमकर दिख रहा है। जी हाँ गाइस, एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले से पहले ही दोनों देशों के पूर्व क्रिकेटर्स के बीच में शब्दों के बाण चलने शुरू हो गए हैं। असल में ये माहौल पाकिस्तानी बॉलर शाहीन की चोट के बाद से कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया है, क्योंकि उनकी चोट के बाद दिग्गज खिलाड़ी वकार यूनिस ने ये कह दिया कि शाहीन की चोट की वजह से भारतीय टॉप ऑर्डर बल्लेबाज चैन की सांस लेंगे। दरअसल शाहीन वही पाकिस्तानी बॉलर हैं जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में इंडियन टॉप ऑर्डर पर कहर ढाया था और उसका नतीजा इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। बस उसी एक जीत के चलते पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के हौसले आसमान छू रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के इस कटाक्ष पर इंडियन यूजर ने इसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि ये पाकिस्तान टीम के लिए राहत की बात है कि चोट की वजह से बुमराह एशिया कप में नहीं खेल रहे। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कि शाहीन को चोट ना भी लगती तो क्या इंडियन टॉप ऑर्डर बैट्समैन पर इसका असर पड़ता? फैक्ट नंबर दो गाइस, एक कहानी है एक ऐसे प्लेन हाईजैक की जिसमें प्लेन हाईजैक करने वालों को सजा की बजाय रिवॉर्ड दिया गया। जी हाँ गाइस, ये बात है साल 1978 की, जब 150 यात्रियों को लेकर एक प्लेन दिल्ली जा रहा था जिसे वहां मौजूद दो लोगों ने हाईजैक कर लिया, और वो भी खिलौने वाली बंदूक के दम पर। और उनकी डिमांड थी कि इंदिरा गांधी, जो कि इमरजेंसी लगाने के बाद